नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 में एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन 2.2, जिसमें हमने 2.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है 3 × x − 3 = 15, यानी 15 है। सो करना क्या है, इसको गुणा में इधर लाए तो भाग में कट जाएगा, 3 × 15 = 5 हो जाएगा। x − 3 = 5, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, x/2 − 7 = 15 है, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 15 × 7 = 22। ये इसको ऐसे ही उतार देना है, ये गुणा में भाग में है, इसके साथ आएगा तो गुणा में, तो 22 × 2 यानी 22 × 44 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं आपको। −2x/7 + 2 = 8 है, −2x/7 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 8 में 2 घट जाएगा 6, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो −2x = 6 × 7 हो जाएगा। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 2 × 3 = 6, यानी 7 × 3 यानी −3, यहाँ पर माइनस है, −3 × 7 होगा तो 7 × 3 = 21, ये एक्स का मान −21 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 − 3x = 18 है, यहाँ पे क्या करना है, 7 ऐसे रहेगा, 18 को इधर लाएंगे और −3x को उधर ले जाएंगे, और आप इसको घटाएंगे, 7 में से 18 − 11 और −3x होगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो −11/3 ही आपका चौथा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपको दिखाते हैं 5वां। बड़े देखिए, मैथ सॉल्व करने का एक अलग अंदाज होता है और एक अलग कंसेप्ट होता है। बेहतर मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो बिल्कुल एनसीईआरटी हर क्लास का अभी हमारा क्लास 1 से लेकर के 12 तक मैंने वीडियो अपलोड किया है मैथ का, अब मैं वीडियो एक्सरसाइज वाइज बना करके दे रहा हूँ। तो वीडियो उन बच्चों को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है, वीडियो थोड़ा ही पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये 18 है और ये 40 − 3x है, और यहाँ पे 40 उधर भेजेंगे तो 40 − 18, और इसको इधर लेते आएंगे तो 40 − 18 = 22 हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है 22/3 आपका आंसर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 25/6 − 9y = 11 है, इसको सॉल्व करना है, इसको इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 25 ऐसे रहेगा, 11 × 6 = 66, 25 में से 66 घटाएंगे −41 हो जाएगा, अच्छा ये 6 रहेगा, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 6 के साथ गुणा में हो जाएगा, तो −41, 9 × 6 = 54, ये आपका आंसर y = कितना हो जाएगा, −41/54, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, −2.4 है बराबर x/2.5 − 1 है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x/2.5 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 2.4 होगा, और ये गुणा में है, ये भाग में है, इसके साथ गुणा में हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो ये 850 होगा, और 850 होगा तो देखिए, एक अंक बाद इसमें दशमलव, एक अंक इसमें, दो अंक बाद दशमलव, एक दो, दो अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी x बराबर क्या होगा, 8.50, जीरो हटा देते हैं दशमलव का, तो इसका आंसर x बराबर 8.5 हो जाएगा। आप जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम आपको दिखाते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं 8। तो 3x + 10 − x = 4 है, तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए 3, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा 2, और ये 10 उधर भेजेगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x = 10 − 4 − 10 हो जाएगा, घटेगा तो −6 हो जाएगा, ये 2 से कटा दिए, 2 × 3 = 6, यानी x का मान कितना हो जाएगा, −3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 दिखाते हैं आपको, तो 2 × x + 11/4 = 13 है, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 13/2 हो जाएगा, ये इसको उधर भेजिएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/2 और 11/4, 2 × 4 = 4 होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 13 = 26 हो जाएगा, 2 × 4 = 4 एक बार में, 1 × 11 = 11 हो जाएगा, 26 में से 11 घटेगा, 15/4 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली 10 नंबर क्वेश्चन हमने आ गया है, अब आपको आइए बताते हैं, x/3 + ((-14/3) लिखा है बराबर 3/7 लिखा है, इसको x/3 लिखना है, प्लस माइनस माइनस, 14/3 हो जाएगा बराबर 3/7 हो जाएगा, ये माइनस में उधर भेजेंगे, अच्छा रोकिए इसको,
तीन तीन का लघुत्तम तीन हो जाएगा, ये भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये x माइनस 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गुणा भाग में इसके साथ आएगा गुणा में, तो तीन गुणा तीन बट्टा सात हो जाएगा, है ना। तो तीन तरीका नौ और बट्टा सात हो जाएगा, और ये माइनस ही रहेगा और ये माइनस है, इधर आप भेजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 1498 यानी कि 9 प्लस 98 बट्टा सात हो जाएगा, 98 में 9 जोड़ेंगे 107 बट्टा सात, ये फाइनली आपका x बराबर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो मुझे लगता है कि 2.1 का एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का ये पूरा 2.1 जितना भी कंसेप्ट दिया था, क्वेश्चन दिया था, मैंने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा होगा। इस वीडियो को दो बार तीन बार करके देखिएगा, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, मैं ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूँ। इस वीडियो को उस बच्चों के पास शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत